అత్యంత హోరాహోరీగా జరిగిన గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఫలితాలు కాంగ్రెస్ శ్రేణులను కాస్త నిరుత్సాహపరిచాయి. ప్రధాని మోదీ సొంత రాష్ట్రమైన గుజరాత్ లో ఓడిపోయినప్పటికీ బీజేపీకి గట్టి పోటీనివ్వడం ఆ పార్టీ నేతలో సంతృప్తి వ్యక్తమవుతుంది. గుజరాత్ ఎన్నికల ఫలితాలపై పార్టీ అంతర్గత విశ్లేషణ అనంతరం కాంగ్రెస్ నేత అశోక్ గెహ్లాట్ మీడియాతో మాట్లాడారు. గుజరాత్ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా నైతిక విజయం తమదేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాహుల్ గాంధీ సాధించిన అంశాల వారీగా ప్రచారానికి దక్కించిన విజయమని వ్యాఖ్యానించారు. గుజరాత్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా మంచి ప్రచారాన్ని నిర్వహించిందని, రాహుల్ ప్రచారం సాగించిన తీరు ఇందిరాగాంధీని తలపించిందని అన్నారు. లంబే సమయ సే ఇంతజార్ థా సబ్కో ఆజ్ కే దిన్ కా ఔర్ గుజరాత్ కా చునావ్ ఏక్ ప్రకార్ సే గుజరాత్ తక్ సీమిత నీ రహ్ కర్ కే పూరే దేశ్ కే అందర్ చర్చా కా విషయ బన్ గయా థా. కంపెయిన్ బహుత్ అచ్చే ఢంగ్ సే కియా కాంగ్రెస్ నే. राहुल जी की जो यात्राएं थी, बस यात्राएं, उसके अंदर जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला हम लोगों को, तो हमें इंदिरा गांधी जी के जमाने में देखते थे उस ढंग का माहौल पब्लिक का उनके साथ रहा. उनका पब्लिक का, वहां की गुजरातियों का प्यार, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद उस रूप में हमने महसूस किया. और ये विश्वास करके चल रहे हम लोग की सरकार कांग्रेस बनाएगी. उसी ढंग की परफॉर्मेंस वहां पे दी गई. तमाम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा एकजुट होकर के. मुद्दे आधारित चुनाव लड़ा गया. जो राहुल जी ने मुद्दे खड़े किए उसका कोई जवाब नहीं आया बीजेपी नेताओं की तरफ से, चाहे आरोप लगाए गए हों अमित शाह के लड़के को लेके, चाहे आरोप लगाए गए हों रेफरल्स डील को लेके, कोई जवाब नहीं. किसानों की बात की, युवाओं को रोजगार का जो वादा किया 2 करोड़ का उसकी बात करी, मजदूरों की छंटनी हो रही उसकी बात करी, महंगाई की बात करी, शिक्षा की बात करी, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी, कोई जवाब नहीं. मुझे अफसोस ये कहते हुए कि उन्होंने जब वो ध्रुवीकरण में फेल हो गए पूरी तरह, क्योंकि उनकी जो कॉन्सिक्वेंसी थी कि चुनाव को जीतने के लिए ध्रुवीकरण चुनाव कैसे करें, इस बार जब वो चली नहीं तो उन्होंने नए रूप में अपने आप को पेश किया, डाइवर्ट कर दिया. कभी नर्मदा की बात करते उसमें कुछ नहीं हो पाया, फिर ओबीसी की बात की उसमें कुछ नहीं हो पाया, फिर विकास यात्रा निकाली वो फ्लॉप हो गई. तो उन्होंने खाली टीका टिप्पणी तक सीमित रखा अपने आप को कांग्रेस नेताओं पर. उस रूप में पूरा चुनाव कैंपेन करने लग गए वो लोग, और ऐसी स्थिति आ गई. कभी वो सी प्लेन उतार रहे हैं वहां पर जिसके कोई मायने नहीं थे, पब्लिक का साथ नहीं मिला. कभी वो भावात्मक बात करते हैं कि मैं गुजरात का बेटा हूं और मेरी बेइज्जती कर रहे लोग बाहर से आकर के. ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता. हम लोग जाते हैं दूसरे राज्यों में, मोदी जी जाते हैं दूसरे राज्यों में, तो ये कोई नहीं कह सकता मैं वहां जा रहा हूं तो मैं वहां जाकर के किसी की बेइज्जती कर रहा हूं. कैंपेन करने का सबको हक है, पर मोदी जी ने भावात्मक तरीके से गुजरात वासियों को, गुजरात अस्मिता, गुजरात का मान सम्मान की रक्षा करने का वक्त आ गया है, और पहला प्रधानमंत्री बना है गुजरात में बीजेपी से. तो ये तमाम मुद्दे आसपास घूमते रहे और कुछ शब्द पकड़ लिए उन्होंने कि ये शब्द मेरे बारे में कहे जा रहे हैं. कांग्रेस का कल्चर नहीं वापस ऐसी बातों का जवाब देने का, वरना हमारे पास में ऐसे ऐसे शब्द थे जो मोदी जी ने खुद ने, अमित शाह जी ने, इनके नेताओं ने सोनिया गांधी जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या नहीं कहा, फिर भी हमने संयम बरता कि आज पूरे देश की जनता क्या समझेगी, पॉलिटिक्स में क्या हो गया है, नेता किस रूप में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. तो कहना क्या, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, हमने बहुत संयम रख के काम चलाया. और परिणाम आज जो आए हैं वो भी अभी आंकड़े आपको बताएंगे सूर्यवाला जी. मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने सुबह भी कहा मीडिया के हमारे दोस्तों को कि परिणाम कोई भी आए, पूरे देश के अंदर कांग्रेस का जो कैंपेन चला, इश्यू बेस्ड कैंपेन चला राहुल गांधी के नेतृत्व में, मैं समझता हूं उसकी जीत हुई है और जीत होगी, मेरा मानना है. हम आज के परिणाम को उस रूप में देखते हैं, सरकार चाहे किसी की बने, परंतु मॉरल रूप में, नैतिकता के रूप में कांग्रेस की बहुत बड़ी विजय हुई है. मोदी जी के खुद के घर के अंदर, अमित शाह जी के घर के अंदर
उन लोगों को हमने घुटनों के बल चला दिया है और वक्त आएगा आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे पूरे देश के अंदर चुनाव आ रहे हैं कर्नाटका के आ रहे हैं फिर राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आ रहे हैं और राज्यों के आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि गुजरात का जो माहौल बना है आज भी करीब करीब बहुत नजदीक हम लोग हैं जबकि 150 के दावे करते थे मिशन 150 और यहां तक आ गया अगर एक भी कम सीट आ गई तो आप याद रखना हम जश्न नहीं मनाएंगे आज की स्थिति आ गई कि 100 का आंकड़े पार नहीं कर पा रहे अभी तक तो वो और जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो गई है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत बुरी तरह से कि ये कोई बीजेपी की सरकार बनाने अलग बात है पर इस जीत को मैं बीजेपी की विजय नहीं मानता हूं और कांग्रेस की हार नहीं मानता हूं इतने में साथियों जो अब ताजे आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हैं मैं अपनी बात शुरू करने से पहले उनकी व्याख्या दोबारा करूंगा कांग्रेस और उसके अलाइज अब 81 सीटों पर या जीत गए हैं या आगे हैं 80 का आंकड़ा जो आपको दिख रहा है उसमें मानसा की विधानसभा अभी अभी सुरेश पटेल जी जीत गए हैं भाजपा ने वहां दोबारा से गिनती की याचिका लगाई है हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं हमें उसमें कोई एतराज नहीं तो 80 जमा 1 81 सीट जो है वो कांग्रेस और उसके अलाइज जीत चुके हैं कांग्रेस के दो साथी जो रेबल कैंडिडेट्स के तौर पर खड़े थे लुनावड़ा में रतन राठौर जी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पंचायत की एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन हैं वो चुनाव जीते हैं और मोरवा में भूपेंद्र खाट जी जो 2012 में हमें हमारे उम्मीदवार थे और आज भी मन वचन और कर्म से कांग्रेस के साथ हैं वो चुनाव जीते हैं तो 83 इस प्रकार से अगर मैं ये संख्या दो और जोड़ दूं 81 में तो 83 और 84वीं एनसीपी तो एक तरफ 98 और 99 और दूसरी तरफ 84 तो एक बात तो साफ है राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी और भाजपा को 99 के फेर में तो उलझा लिया है तो एक बात तो साफ उभर कर सामने आई है सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गुजरात और हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का सादर आभार और प्रजातांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए उनको साधुवाद गुजरात के लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के संपूर्ण नेतृत्व की ओर से धन्यवाद और हम तो उन्हें ये कहेंगे वो पुरानी जो जंगे आजादी की 1857 की लड़ाई है कि दो लाइनें हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से उनकी बहादुरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निडरता और उनकी अंथक मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद 6.5 करोड़ गुजरात के भाई बहनों का से हम ये कहेंगे आपके प्यार आपके मोहब्बत और आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद धनबल बाहुबल और सत्ता बल के बावजूद आपने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस समर्थकों को भारी जनमत दिया और उन अहंकारी लोगों को सबक भी सिखाया जैसा गहलोत साहब कह रहे थे जो 135 और 40 से शुरू कर और 160 तक का आंकड़ा जीत का बगैर वोट डले दिया करते थे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की ओर से हम उन सबको विश्वास दिलाते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को भटकाने वाले एजेंडा से वापिस खींच उन्हें गुजरात के विकास के मुद्दों पर वापस लेकर आएंगे हम अपनी इस जिम्मेवारी का सबलता से निडरता से और पूरी ताकत से निर्वहन करेंगे गुजरात के मुद्दे और उनका हल चुनाव हो गया पर गुजरात के मुद्दे और उनका हल अभी भी बाकी है कपास और मूंगफली के किसान की फसल की कीमत 30 लाख बेरोजगार नौजवान और 15 लाख फिक्स पे के नौजवान के शोषण का हल
पाटीदार दलित और पिछड़ों के लिए सामाजिक न्याय की जंग, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद और अन्य हमारे व्यापारी और दुकानदार भाइयों के लिए टैक्स के जंजाल से छुटकारा, और इन सब के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी हम ये कहेंगे कि वो ये न भूलें कि आज भी जब 84 और 98 का आंकड़ा है तो 22 सीटें गुजरात में ऐसी हैं, 22, जिनमें से 10 भारतीय जनता पार्टी 1000 से जीती या 1000 से कम के अंतर से आगे है, और 12 सीटें ऐसी हैं जो वो या तो 3000 वोट से जीते या 3000 वोट के कम के अंतर से आगे हैं। तो इस चुनाव का निर्णय इस प्रकार से, लगभग अगर आप गिने तो 22 हैं, 22 सीट इस प्रकार की हैं। हम उन्हें यह भी याद दिलाएंगे कि 2014 की लोकसभा में 26-0 का आंकड़ा था, यानी 26 लोकसभा भाजपा जीती और कांग्रेस कोई नहीं जीत पाई। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 33% वोट मिली और भारतीय जनता पार्टी को 60% वोट मिली। भारतीय जनता पार्टी 165 विधानसभा सेगमेंट्स में जीती और हम 17 में जीते। 2017 में कांग्रेस की वोट 33% से बढ़कर 41% हो गई और भाजपा की वोट 60% से गिरकर 49% रह गई। भारतीय जनता पार्टी उन 165 में से 57 सीटें हार गई और हमने अपने 17 के अंदर 55 सीटें और जोड़ ली और बाकी जुड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये भी ना भूले कि हिमाचल प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री पद के जो चेहरे थे, सम्माननीय धूमल साहब, वो चुनाव हार गए कांग्रेस उम्मीदवार से और उनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं। गुजरात में भी जो महत्वपूर्ण बात है, 6 वो मंत्री चुनाव हारे जो सार्वजनिक जिंदगी से जुड़े महकमों के वजीर थे। गणपत वसावा जी जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर थे वो कांग्रेस से चुनाव हारे। चिमन भाई जी जो बिजली और खेती के वजीर थे वो कांग्रेस से चुनाव हारे। शंकर चौधरी जी जो स्वास्थ्य के वजीर थे वो कांग्रेस से चुनाव हारे। शपथ सरन तड़वी जी जो ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे वो कांग्रेस से चुनाव हार गए। जशु भाई बराड़ जी जो पीने के पानी के मिनिस्टर थे वो भी कांग्रेस से चुनाव हारे। जय नारायण व्यास जी जो उनका चेहरा थे और सबसे बड़े मोदी जी के चिंतक थे वो भी कांग्रेस से चुनाव हार गए। और वो सारे लोग जो कांग्रेस छोड़कर भगोड़े बनकर राज्यसभा चुनाव में भाजपा के यहां गए थे वो सब चुनाव हार गए, समेत रमन परमार जी के जो अमूल के चेयरमैन थे और राघव पटेल जी के। ये भी भारतीय जनता पार्टी ना भूले कि वाड़नगर जिस विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, ऊंझा विधानसभा का, वहां पर भी मोदी जी अपने गृह क्षेत्र के अंदर चुनाव हार गए और कांग्रेस की डॉक्टर आशा पटेल 19,000 वोट से अधिक से चुनाव जीती। तो गुजरात के लोग कुछ संदेश भी दे रहे हैं। सोमनाथ जिले में कांग्रेस चारों सीट जीती और भाजपा बहुत बुरी तरह से चारों सीट हारी भाजपा के षड्यंत्र के बावजूद। ये भी भारतीय जनता पार्टी के मित्र याद रखें कि कांग्रेस के पास राज्यसभा चुनाव के बाद 43 विधायक थे, अब हम 84 के आंकड़े पर पहुंच रहे हैं, यानी लगभग 100% इजाफा हमारी सीटों में है। और 1995 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी 2 के अंक पर सिमट गई है। उनका हमेशा आंकड़ा 115 से 127 तक रहा, तो 1995 के बाद इतनी बड़ी शिकस्त, चाहे संख्या में वो जीत गए
पर इतनी बड़ी शिकस्त पहली बार गुजरात के लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी को दी गई है। जो जीत जाता है उसको शुभकामनाएं और मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दोनों सरकारों को लोकहित में काम करने के लिए मुबारकबाद और बधाई दी है। परंतु हम यहां भी ये भी आपके संज्ञान में दोबारा याद दिलाना चाहेंगे कि देश के इतिहास में यह पहला अवसर था शायद जब मतगणना की तारीखें पहले घोषित की गई और चुनाव की तारीख 3 हफ्ते बाद घोषित की गई। मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। मैं ये भी याद दिलाना आवश्यक समझता हूं कि इस बीच में हजारों करोड़ की न पूरी होने वाली घोषणाएं करने का सुअवसर आदरणीय चुनाव आयोग के साथियों द्वारा प्रधानमंत्री जी और भाजपा को दिया गया ताकि जुमलों की पूरी बरसात की जा सके। चुनाव कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सुविधा के अनुरूप निर्धारित किया गया। आखिरी दिन तक भी कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के इंटरव्यू को दिखाने के लिए आप सबको यानी मीडिया के साथियों पर गैग ऑर्डर पहले भाजपा के बयान से और फिर चुनाव आयोग के आदेश से लगा दिया गया और जब चुनाव संपन्न हो गया तो वो चुपचाप ऑर्डर वापस भी ले लिया गया और वो नोटिस भी वापस ले लिया गया। हां, परंतु प्रधानमंत्री जी ने जब 8 तारीख को 9 तारीख के लिए वोट मांगा तो उनको कोई नोटिस चुनाव आयोग ने नहीं दिया। हां, पर अगर वो एक दिन पहले मैनिफेस्टो भी जारी करते हैं 8 तारीख को तो भी चुनाव आयोग संज्ञान लेना भूल जाता है। हां, पर चुनाव आयोग की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति से अगर चुनाव के दिन मोदी जी को रोड शो करने की इजाजत मिल जाती है अप्रत्यक्ष तौर से अघोषित तौर से तो भी चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता। सारांश में इसीलिए जैसा आदरणीय गहलोत साहब ने कहा कि कई ऐसी मोर्चे हैं, हम मोर्चा हारे हैं, जंग नहीं, जंग जारी है और गुजरात के लोगों के आशीर्वाद से उनके मन हमने अवश्य जीते। राहुल गांधी जी को जो आशीर्वाद मिला, कांग्रेस पार्टी को जो आशीर्वाद मिला, जो सहयोग मिला, जिस प्रकार का अप्रत्याशित धनबल, सत्ता बल और बाहुबल के बाद बावजूद समर्थन मिला, ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी। और इसलिए हम मोर्चा हारे हैं पर हम जंग जरूर जीते हैं और वो जंग है हमारे 6.5 करोड़ गुजरात के भाइयों और बहनों के दिल जीतने की जंग, उनके मुद्दों को सामने लाकर खड़ा करने की जंग। एक व्यक्ति का अहंकार और 6.5 करोड़ गुजरातियों की पुकार, उनकी पुकार को वाकई में सेंटर पॉइंट बना देने की जंग, वो हम जरूर जीते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब सामंती सोच वाले अहंकारी लोगों को आज एक आईना सच्चाई का दिखाया गया है, जब दूसरा आईना भी दिखाया जाएगा। हम केवल ये कहेंगे अंत में आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को, छाती बड़ी तो क्या अब दिल भी बड़ा कीजिए, छाती बड़ी तो क्या अब दिल भी बड़ा कीजिए, लड़खड़ाते विकास को अब तो खड़ा कीजिए। और जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते हैं उनको 6.5 करोड़ गुजरात के भाइयों और बहनों ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है और उस आवाज में आवाज जोड़ते हुए हम एक लाइन और कहेंगे कि मत देखिए अब कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, आइए घर घर में हो खुशी और विकास युक्त हो भारत अपना, ये है कांग्रेस का सपना। धन्यवाद, कोई सवाल पूछना चाहे तो स्वागत है। धन्यवाद, मैं भी हिमाचल के जनता के प्रति आभार प्रदर्शित करूंगा कि शुरुआत को तो हमें लगता था कि 7-8 सीट वहां आ जाएगी, लेकिन ये इस तरह होता है कि हर वक्त एक बार 5 साल में कांग्रेस की सरकार आती है, दूसरी बार बीजेपी की आती है, गए 4 टर्म से ये इस तरह होती है। लेकिन वो कहते थे कि 50 सीट हम लाएंगे, उसके सिवा हम यहां नहीं रहेंगे। आज परिस्थिति अलग है, आज हमारे 20-21 सीट आए हैं और इंडिपेंडेंट 4 आ गए हैं, उसमें से 2 हमारे साथी हैं,
मैं इसलिए इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, कि जो ये लोग हमेशा कहते थे हिमाचल के बारे में, वहां इतनी तगड़ी लड़त दे दी है, उनके जो प्रेसिडेंट है वो भी पीछे रह गए हैं और जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे वो भी बेचारे पीछे रह गए हैं। तो ये कांग्रेस ने जिस तरह वहां चुनाव लड़ा और एक तरह का एक विश्वास लोगों में बताया कि कांग्रेस आपके साथ रहेगी और हमेशा आपके साथ रहेंगी, ये इसी वक्त ये बताया है। तो मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। धन्यवाद।